हेलो बच्चों, मजा आ रहा पढ़ने में? और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा पढ़ने? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, और खूब एंजॉय आप लोग कर रहे हैं। जैसे ही वीडियो लेक्चर में डाउनलोड करता हूँ, आप लोग तुरंत ही नोट कर डालते हैं। ठीक, ये भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा करते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे आपके पास टाइम मिलता है आप लोग कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को टाइम दे देते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। गुड, तो समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। पिछले टॉपिक में जहां मैंने छोड़ा था उसके आगे फिर से हम शुरू करेंगे, ठीक है ना बच्चों? तो पिछले टॉपिक में जो चल रहा था मेरा, टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहा था मैं। तो कंपाउंड्स में मैंने दो तरीके की बात की थी। दो तरीके का मेरे को कंपाउंड दिखता है। एक तो मेरे को दिखता है डबल सॉल्ट, और एक दिखता है मेरे को कोऑर्डिनेट सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट की खास बात मैंने बताया था कि डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं कि जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएंगे, यानी एक्वस मीडियम में आएंगे, उनके सारे आयंस बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, मतलब कोई रुकेगा कुछ नहीं। और जो जो कैटायन और एनायन सेपरेट होंगे वो अपनी अपनी टेस्टिंग देंगे, यानी उनमें उनसे जैसे मान लिया कोई फेरस आयन है या फेरिक आयन है, फेरस का मतलब फिर डाई पॉजिटिव, फेरिक का मतलब फिर ट्राई पॉजिटिव, या कोई सल्फेट है या कुछ भी है, कोई भी आयंस है, वो अपना कोई ना कोई टेस्ट देगा। जैसे फेरस, मान लिया फेरस है कोई कलर हो गया, फेरिक का कलर कुछ और कलर हो गया, तो अलग अलग अपने टेस्ट देते रहेंगे। तो ये एक तो मैंने डबल सॉल्ट की बात की। इसके बाद जो दूसरे नंबर मेरा बनता है वो बनता है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की खास बात क्या होगी कि वो अपनी एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को नहीं छोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की खास बात क्या होगी कि भाई वो एक्वस मीडियम में अपनी पहचान को लूज नहीं करते हैं। उसी खास वजह क्या है? उसी खास वजह ये है कि जब कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है तो उसके अंदर का पार्ट डिसोसिएट नहीं हो पाता, उसके अंदर का पार्ट डिसोसिएट नहीं हो पाता। जब डिसोसिएट नहीं हो पाता, इसका मतलब वो सारे आयंस बिल्कुल सेपरेट नहीं होंगे। मान लिया कि बाहर हमने NH4+ लगा रखा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Fe लगा रखा है, तो अगर हमने क्वेश्चन ये पूछा कि क्या ये कंपाउंड Fe का टेस्ट देगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देगा। अगर हम कहेंगे कि भाई अमोनियम का टेस्ट देगा, हाँ बिल्कुल देगा। जो का पार्ट आपके आयोनाइजेशन स्फीयर में है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो पार्ट है वो अपनी टेस्टिंग देगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो टूट ही नहीं पाएगा, तो अपनी टेस्टिंग को नहीं देगा। अच्छा, एक बात तो ये हो गया। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो इसके दो टाइप हैं। एक तो है परफेक्ट, एक है इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट की खास बात, परफेक्ट अगर कोई चीज परफेक्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उसके, मान लिया जाए कि हमने एक कंपाउंड को लिया, तोड़ दिया। सविता, तेरा यहां डाउट भी था बेटा, थोड़ा इसको समझना। तो यहां पर क्या है कि अगर मैंने किसी कंपाउंड को तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद आयोनाइजेशन स्फीयर, जो आयोनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल अलग हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है हमको। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पार्ट है, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पार्ट है, अगर स्लाइटली वो टूट जाता है, थोड़ा सा डिसोसिएट होने के चांस अगर बन जाते हैं, बनने के चांस कब बनेंगे? या तो जिंक हो, या कैडमियम हो, या मरकरी हो, जिसको सूडो ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, तो वहां थोड़ी सी चांस बनती है कि टूट सकता है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा, स्लाइटली टूट नहीं टूटने की चांस बनेगा। तो वहां जो हम यूज करेंगे इम्परफेक्ट, क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लेकिन अगर हम कुछ भी कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, तोड़ें, फिर भी नहीं टूटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट। कैसा हो जाएगा? वो परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाएगा। तो पिछले टॉपिक्स में मैं जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसमें क्या था हमारे पास, उसमें यह था कि साहब जो है डबल बॉन्ड क्या होता है। तो डबल बॉन्ड मैंने आपको स्टेटमेंट भी लिखवाया था कि डबल बॉन्ड ऐसे सॉल्ट होते हैं, सॉरी डबल सॉल्ट
डबल सॉल्ट एक ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि अपनी पानी की प्रेजेंस में अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं और वो डिफरेंट आयन के टेस्टिंग देने लगते हैं, तो ऐसे को हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो डबल सॉल्ट में मैंने एक एग्जांपल एल्युमिनियम का, सॉरी एलम का मैंने यूज भी किया था, तो एलम कह लीजिए या पोटास एलम कह लीजिए एक ही बात है, पोटेशियम की वजह से इसको पोटास एलम भी बोलते हैं, तो इस वजह से उसमें जो है उसको पोटास एलम बोलते हैं। तो उसको जब मैंने डिसोसिएट करके दिखाया तो उसमें बताया था मैंने आपको, स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था कि साफ सोडियम आयन अपना टेस्ट देगा, एल्युमिनियम भी देगा, सल्फेट भी देगा, तो इसमें ये तीन तरीके के टेस्ट दे सकता है। यानी कि एक्वस मीडियम में जैसे ही हम एलम को यानी फिटकरी को पानी में डालेंगे तो उस पानी से हमको तीन टेस्टिंग देखने को मिल सकती है। एक तो हम एल्युमिनियम को उस पानी में टेस्टिंग कर सकते हैं क्योंकि एल्युमिनियम आयन मिल गया साथ, या हम ये भी हम कह सकते हैं उसके अंदर हमें पोटेशियम भी मिल गया साथ, उसमें पोटेशियम की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, सल्फेट की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये पानी के अंदर जो टूट गया, टूटने के बाद उसने डिफरेंट आयन बना लिए, तो यहां पर हम जो है तीनों की टेस्टिंग कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो आयन्स पानी में डिजोल्व हो गए तो ऐसा नहीं कि आपने छन्नी लिया और छानना शुरू कर दिया, ले भाई आधा किलो सल्फेट टू ले ले और 50 ग्राम नाइट्रेट टू ले ले और समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके अंदर वो डिसोसिएट होगा उस पानी को लेने के बाद। अगर इन सबकी डिफरेंट एसिड और बेस डालने के बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं, लैब वर्क करते हैं, उसके बाद डिफरेंट कलर आते हैं जिसकी वजह से ये ऑब्जर्वेशन मेरे को देखने को मिलता है। तो एक बात, तो एक एग्जांपल हमने ये लिया हुआ था कि भाई एलम या पोटास एलम का क्या है, क्या टूटने के बाद क्या क्या देगा। इसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं और टेस्टिंग के बेस पर हम कैसे किन किन की टेस्टिंग करेगा वो उसको हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो पहले इसको प्लीज नोट डाउन, 4-6 कलर का पेन निकालिए, केवल 2 कलर से लिखिए और बाकी कलर बैग में फिर रख दीजिए। राइट बेटा, लिखना शुरू करिए। लिखा बच्चों, अब थोड़ा एग्जाम्पल देखो। बी वाला है मोहर सॉल्ट। इस साल आपको 12th स्टैंडर्ड मोहर साल का लैब में प्रैक्टिकल भी आता है, अक्सर एग्जामिनर फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2O। फिर से मैं बोल रहा हूं, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2O। फिर से मैं बोल रहा हूं, FeSO4 .NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। इसके बाद कार्नेलाइट, थर्ड वन एग्जांपल है, KCl कार्नेलाइट खूब पूछा गया एग्जांपल, KCl .MgCl2 .6H2O। ठीक है, ठीक। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेटा मेरी बात ध्यान सुनो कि अगर मैं मोहर सॉल्ट को तोड़ना चाह रहा हूं, तो मेरे को क्या क्या मिल सकता है। एक तो एफ ई मिल सकता है और एक मिल सकता है मेरे को सल्फेट मिल सकता है, एक मेरे को अमोनियम आयन मिल सकता है, NH4 मिल सकता है। NH4 के कितने मोल है, 2 मोल है, 2 यहां प्लस लगेगा। ठीक है, अब यहां पर अब ध्यान समझना बच्चों, एक सल्फेट आपका ये है, ठीक है, एक सल्फेट यहां पर, एक सल्फेट यहां पर, क्या मैं 2 सल्फेट लिख दूं? अब 2 × 2 कितना हो गया, -4 हो गया बेटा, -4 हो गया ना, अब यहां -4, तो जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा,
जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर कितने प्लस दिखाई दे रहे हैं, दो प्लस, इसका मतलब यहां क्या लगा देंगे, दो प्लस, और दो प्लस वाले को क्या बोलेंगे, फेरस। तो अगर मैं मोहर सॉल्ट को पानी में डालता हूं, अगर मैं मोहर सॉल्ट को मैं पानी में डालता हूं तो मेरे को किस किस का टेस्ट देगा वो, एक तो फेरस आयन का देगा, एक सल्फेट आयन का देगा और एक अमोनियम आयन का देगा, राइट। फिर से मेरी बात सुन लो, अगर मैं मोहर सॉल्ट को पानी में डालता हूं, अगर मैं मोहर सॉल्ट को पानी में डालता हूं तो एक तो फेरस आयन देगा, एक सल्फेट आयन का टेस्ट देगा और एक अमोनियम आयन का टेस्ट देगा, राइट। फिर से मेरी बात सुन लो, अगर मैं मोहर सॉल्ट को पानी में डालता हूं तो एक तो फेरस आयन, बेटा अगर एफई पर डाई पॉजिटिव लगा होता है तो फेरस बोलते हैं, ट्राई पॉजिटिव लगा होता है फेरिक बोलते हैं, यहां पर डाई पॉजिटिव लगा हुआ फेरस बोलेंगे। तो मोहर सॉल्ट को जैसे ही पानी में डालेंगे, एक तो फेरस आयन, दूसरा सल्फेट आयन, तीसरा अमोनियम आयन, इन तीनों का वो टेस्ट देगा। नोट करो बेटा, लिखा बेटा एक और देखो, अगला देखो, अगला मेरे पास क्या है बालको, अगला मेरे पास क्या है, कार्निलाइट है। अगर मैं सी की बात करता हूं, कार्निलाइट की बात करता हूं, तो अगर मैं KCl है और डॉट MgCl2 है और डॉट CH2O है, अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूं तो एक तो मिलेगा K+, एक मिलेगा Cl- मिलेगा, एक मिलेगा Mg- मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसके बाद कितना मिलेगा, 2Cl- मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा बेटा। तो यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं, इसको मैं हटा दूं तो 3Cl- भी लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई देखो, पहली बात ध्यान से देखो, कितने प्लस, एक प्लस इधर, दो प्लस इधर, कितने प्लस, तीन प्लस, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, राइट। अच्छा दूसरी बात देखो, अगर मैं पूछता हूं कि कार्निलाइट को अगर मैं पानी में डाल देता हूं, अगर कार्निलाइट को मैं पानी में डाल देता हूं वो कौन कौन से आयंस की टेस्टिंग देगा, अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछा कि कार्निलाइट को मैंने पानी में डाल दिया, अगर कार्निलाइट को मैंने पानी में डाल दिया तो किस किस की वो टेस्टिंग देगा, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर वो इस कंपाउंड को ले लिया, मैंने इसको ले लिया, तो एक तो K+ का टेस्ट देगा, एक क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा और एक वो देगा मैग्नीशियम आयन का टेस्ट देगा। फिर सुन लो, अगर कार्निलाइट को मैं पानी में डाल रहा हूं तो एक तो पोटेशियम का टेस्ट देगा, पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, एक क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा और एक मैग्नीशियम आयन का टेस्ट देगा। इज दैट क्लियर, नोट करिए। लिखा बच्चों, अगला देखो, हमारा एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में तीन तक दे रखा है मैंने, अभी एक दो और दे दूंगा मैं। तो आपको यह बताना है कि अगर मैं इनको एक्वस मीडियम में ले रहा हूं, यानी इन एक्वस मीडियम, अगर मैंने इनको एक्वस मीडियम में लिया हुआ है, ये कौन कौन से आयंस देंगे, अगर मैंने इनको एक्वस मीडियम में लिया हुआ है तो ये कौन कौन से आयंस देंगे, राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने फर्स्ट केस का लिया हुआ है, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और XH2O है, तो इसको तो हटाओ, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखो, एक तो आपको 2NH4+ मिल रहा है, अमोनियम आयन का टेस्ट देगा, ठीक है, और यहां पर देखो सल्फेट कितना है, तीन यहां और एक यहां,
तो चार हो गया आपका सल्फेट हो गया, चार आपका सल्फेट आयन हो गया बेटा, हुआ कि नहीं हुआ। और इसके बाद तीन एल्युमिनियम सॉरी 2 मोल है ना, 2 एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव। तो एक बात मेरे को बताओ, एनायन कितना हो गया 8, निगेटिव हो गया 8, 4 × 2 = 8 हो गया, और कैटायन कितना हुआ 2 यहां हो गया और यहां 6 यहां हो गया। भाई देखो 2 यहां हो गया, 2 × 1 और 2 × 3, तो ये कैटायन कितने हो गए 8 और एनायन कितने हो गए 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने ये सॉल्ट ले रखा है और इसको मैंने पानी में डाल दिया, अगर इस सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया तो किस किस की वो टेस्टिंग देगा, एक तो देगा अमोनियम आयन की, ये हो गया अमोनियम आयन, एक वो देगा सल्फेट आयन राइट, और एक देगा वो एल्युमिनियम आयन। इज दैट क्लियर? तो एक वो देगा अमोनियम आयन, दूसरा देगा सल्फेट आयन, और तीसरा जो देगा वो एल्युमिनियम आयन, सॉरी पहला अमोनियम है समझना, पहला अमोनियम है और तीसरा जो एल्युमिनियम है, आपको एक जैसा तो नहीं लग रहा है, ये अमोनियम है NH4+ है और ये एल्युमिनियम है, ये NH4+ है और ये Al ट्राई पॉजिटिव है, ये एल्युमिनियम है और ये अमोनियम है, नोट करो बेटा। लिखा बेटा, अब अगला देख, इसके बाद अगला देख, दूसरा देख बेटा। अगर मैंने ये कह रखा है कि K2SO4 है साहब और Cr2SO4 का होल थ्राइस और .XH2O ले रखा है, इसको हटाओ पानी में डाल दिया गया। अब जब इसको मैं तोड़ने वाला हूं तो एक ये किसका किसका टेस्ट देगा, एक तो 2K+ और सल्फेट कितना 3 इधर एक इधर, 4 आपके सल्फेट हो गए बेटा, हो गए कि नहीं हो गए, 4 सल्फेट हो गए और यहां पर 2 क्रोमियम हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या यार 3 लिखेंगे नहीं लिखेंगे बेटा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले क्रोमियम का वही आएगा। अब दूसरी बात देख, कैटायन कितना हुआ, 2 कैटायन इधर और 6 इधर हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 4 ये 4 2 ये 8 हो गए, तो नंबर ऑफ कैटायन जो है नंबर ऑफ एनायन के बराबर है। तो अगर मैंने इस सॉल्ट को पानी में डाल दिया, अगर इस सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया तो मेरे को आयंस कौन-कौन किस किस की टेस्टिंग देगा, वो एक तो के की देगा, एक सल्फेट की देगा और एक क्रोमियम आयन की देगा। फिर सुन लो मेरी बात कि अगर मैंने इस सॉल्ट को पानी में डाल दिया, अगर इस सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया तो 3 आयन मिल सकते हैं, 3 आयन की टेस्टिंग देगा, एक के की देगा, एक सीआर की देगा और एक सल्फेट की देगा, नोट करो बेटा। नोट किया बच्चों, नोट किया बेटा, अगला देखो, अब अगला केस देखो बेटा, अगला केस देखो कि अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं है ना, अगर मैंने ले रखा Al2OH का होल थ्राइस और PO4 ले रखा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, इसको अलग करो, तो एक तो ये एल्युमिनियम का देगा भाई बच्चों, एक तो एल्युमिनियम का देगा और OH का देगा, देगा नहीं देगा, और उसके बाद फॉस्फेट का देगा राइट, देगा नहीं देगा बताओ बेटा, ये कितने हो गए, ठीक है ये कितने हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 और ये 6, इसका क्लियर। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस सॉल्ट को पानी में डाल रहा हूं तो एक तो मेरे को एल्युमिनियम का टेस्ट देगा, वो एक हाइड्रोक्साइड का टेस्ट देगा, बेसिक का टेस्ट देगा और एक फॉस्फेट का देगा। अगर इस सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया तो एक एल्युमिनियम का देगा, एक OH आयन का देगा,
एक फॉस्फेट का देगा, तीनों का टेस्ट देगा वो, नोट कर बेटा। लिखा बेटा, अब इधर देख, इधर देख, सी हो गया ना, सी के बाद डी देख, डी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई बेटा। शिविता अपना सवाल देख, बिटिया ने सवाल ये पूछा साहब, के टू सॉरी के फोर है और एफ ई और सी एन का होल सिक्स ये दे रखा है मैंने, तो कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं होगा तो पूरा का पूरा वो टूट जाएगा, ठीक है ना। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या बनाएगा, देख ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसके बाद हमने क्या लिखा है, एफ ई लिखा, और साइनाइड पर होता है माइनस चार्ज, क्या होता है माइनस चार्ज। अब ये माइनस कितने हो गए, छह, माइनस कितने हो गए, छह, तो जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा तभी जाके न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। अब यहां माइनस हो गए छह और प्लस भी होने चाहिए छह, तो चार तो यहां प्लस हो गए, दो यहां लगाएंगे भाई, दो इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब यहां पर देखो ध्यान से कि इसको तो हम बोलेंगे फेरस, क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे, राइट, या फेरस आयन भी लिख सकते हो। तो अगर मैंने पूछा कि इस कंपाउंड को मैंने पानी में डाल दिया, अगर इस कंपाउंड को पानी में डाल दिया तो मेरे को कौन कौन सा टेस्ट देने वाला है, वो टेस्ट क्या देने वाला है, एक तो ये देने वाला है पोटेशियम का, एक देने वाला फेरस आयन, एक साइनाइड का। किसका टेस्ट देने वाला है, एक तो पोटेशियम का, एक फेरस आयन, एक साइनाइड, तीनों का वो टेस्ट देने वाला है, नोट कर बेटा, समझ में आया। एक और देख, लिखा बेटा एक और देख, एक और देख, अगर मैंने कहा कि K3 है और FeCN का होल सिक्स ये ले रखा है, अब मेरे को इसको तोड़ना है साहब, ठीक है, अब मेरे को तोड़ना है, देख तीन के आपका प्लस हो गया और मैंने Fe लिख दिया, राइट, और सिक्स साइनाइड का है तो माइनस कितना हो गया सिक्स, प्लस कितना हो गया तीन, बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए यहां कितना लगा दोगे आप, प्लस थ्री, और जहां प्लस थ्री लगा दोगे तो क्या बोलोगे इसको, फेरिक आयन, क्या बोलोगे, फेरिक आयन। तो इस कंपाउंड को अगर मैं तोड़ता हूं बेटा, इस कंपाउंड को मैं तोड़ता हूं तो जो है मेरे को जो आयन कौन कौन से मिलेंगे, तीन इसके मिलेंगे, एक इसके, छह इसके। अगर मैं इस केस में टोटल आयन देखूं, टोटल आयन देख, छह एक सात और चार ग्यारह, ऊपर नहीं गिनना है, छह एक सात और चार ग्यारह, यानी कि 11 आयन इस केस में मिल रहा मुझको, राइट, इस केस में देख, इस केस में देख, 6 और एक 7 और 3 10, यानी इस केस में हमको 10 आयन मिल रहा है। फिर से देख, 6 इसके आगे कुछ नहीं लिखा, 1 7 और 3 10, इसके आगे देख, यहां देख 10 देखा, 6 और एक 7 और 4 11 है, राइट। अब ये अगर मैं पूछता हूं इस कंपाउंड में कौन कौन सा टेस्ट देगा, एक तो के का देगा, एक वो फेरिक आयन का देगा और एक साइनाइड का देगा, ऊपर वाला फेरस का टेस्ट देगा, नीचे वाला फेरिक का टेस्ट देगा, दूसरों दोनों को डिस्टिंग्विश इसी चैप्टर में करना सिखाएंगे, दोनों को फेरस और फेरिक को डिस्टिंग्विश करना भी हम इसी चैप्टर में बताएंगे कि फेरस होगा तब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे और फेरिक होगा तब कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, इज क्लियर, नोट कर बेटा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो,
कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नंबर दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नंबर दो लिखो बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नंबर दो लिखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नंबर दो लिखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, लिखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नॉट लूज, कोऑर्डिनेट कंपाउंड नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं, और अगर खो देंगे तो इनको क्या बोलने लगेंगे, डबल सॉल्ट, अगर खो देंगे बेटा तो इनको बोलने लगेंगे डबल सॉल्ट, ये अपनी पहचान नहीं खोते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स। तो नंबर एक, नंबर एक है ना परफेक्ट, परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और नंबर दो जो होगा इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एक हमारा परफेक्ट होगा और दूसरा हमारा इम्परफेक्ट होगा, है ना। लिखो बेटा, लिखो परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दूसरा लिखो इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड। पहला लिखो परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, डालो परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, लिखो सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सच टाइप ऑफ परफेक्ट कंपाउंड आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज पेनीट्रेटिंग, PENETRATING, पेनीट्रेटिंग है ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोर्ड पर लिखा हुआ है पेनिट्रेटिंग, दूसरा नाम है पेनिट्रेटिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड, पेनिट्रेटिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एंड दीज आर फेयरली स्टेबल, दीज आर अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना फेयरली स्टेबल, फेयरली स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, इन एक्वा सॉल्यूशन, फेयरली स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब क्या है कि देख बेटा K4 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा दिया FeCN का होल 6, अब यहां से यहां तक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कि नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जब इसको आप तोड़ोगे तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना, तो हम इसको तोड़ते समय देखेंगे क्या कैसे कैसे टूटेगा। तो K4 हो गया और साथ में बेटा क्या हो गया FeCN का होल 6 मिलेगा, 4 प्लस हो गया तो 4 मैंने माइनस लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पार्ट टूट के अलग हो गया, तो अगर मैं ये क्वेश्चन ये कहता हूं क्या ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है आपका FeIN का टेस्ट देगा, तो आप कहेंगे साहब ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है, डिसोसिएट नहीं हुआ, इस वजह से ये कभी भी साइनाइड का टेस्ट और Fe का टेस्ट नहीं देगा। इज दैट क्लियर, पहले इसको लिखो बेटा,
लिखिए बच्चों, लिखो स्टेटमेंट लिखो, सच कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सच कोऑर्डिनेट कंपाउंड नॉट गिव्स टेस्टिंग ऑफ फेरस आयन ब्रैकेट में लिख लेना एफी डाई पॉजिटिव कैसे आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x-6=-4, तो x = 2, x - 6 = -4, x = कितना +2, राइट। दिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड नॉट गिव्स टेस्ट ऑफ एफी डाई पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख लेना फेरस आयन एंड साइनाइड आयन CN-ion, ठीक है, CN-ion। क्या एग्जाम्पल और ले ले बच्चों, एग्जाम्पल और ले ले, एक और ले लेते हैं। चलो ये 3 लिख लिया, यहां कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहां कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। चलो लिखो बेटा, लिखो बेटा लिखो। अच्छा ये किसका टेस्ट नहीं देगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +3 आएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा तो क्या कौन सा आयन होगा, फेरस फेरिक, बताओ बेटा फेरिक होगा। अगर एफी डाई पॉजिटिव आता तो फेरस, ट्राई पॉजिटिव आएगा फेरिक, तो लिखो दिस कंपाउंड है ना गिव्स टेस्ट ऑफ ओनली पोटेशियम आयन बट नॉट गिव्स टेस्ट ऑफ फेरिक आयन ब्रैकेट में लिखो एफी ट्राई पॉजिटिव ब्रैकेट 1 एंड साइनाइड आयन CN-ion। नंबर 2 लिखो, इम परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, लो इम परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखो बेटा, such type of coordinate compound also known as normal complexes and they are less stable in nature का मतलब टूटने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी रहेगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, सोर्स ऑफ मरकरी एंड कैडमियम आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। लिखा बच्चों, इसको नोट करो।